सर मुझे लगता है ये सलमान खान चांद पर शूटिंग करता होगा, वहाँ ग्रेविटी सिर्फ 16% होती है। अच्छा, चांद पे ऑक्सीजन कैसे आएगा? तेरा बाप पाट के जाएगा। ये क्या पूरा टाइम हंसता रहता है बे? सर मुझे लगता है कि सलमान इंसान नहीं रोबोट है। क्यों? क्योंकि मूवी हो या रियल लाइफ, उसके एक्शंस पे कोई लॉ काम ही नहीं करता। नागू भाई, करीना वायरस के टेस्ट के लिए आपको बेहोश करना पड़ेगा। क्यों भाई? आपको दर्द होगा। अरे चाउमियों की मोहब्बत ने मुझे एक बात सिखाई है। क्या? के दर्द ही दर्द की सबसे बड़ी दवाई है। वाह। उस अनमारी में पड़ी एक रजाई है। वाह 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 वाह, क्या भोसड़ी के रजाई लेके आ, ठंड लग रही है मेरे को। हाँ अभी लाता हूँ। ये लो, हो गया, अभी करूँ टेस्ट? कर, तेरे को जो करना है। अबे ये क्या है भाई? फेफड़ा खोलना पड़ेगा ना वायरस चेक करने के लिए। नागू भाई, ये किसका पार्सल है? करीना वायरस का एंटीडोट। भाई क्या है पार्सल में? करीना वायरस का एंटीडोट। क्या? हाँ, और साथ में एक चिट्ठी भी है। आप मेरे द्रोणाचार्य और मैं आपका एकलव्य। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी सिखा है आपको इंस्टाग्राम पे देखते हुए सिखा है, इसलिए मैंने जो ये करीना वायरस की दवाई बनाई है मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ। आपका एकलव्य। किसी एकलव्य ने एंटीडोट भेजा है और ये आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर द्रोणाचार्य नाम का इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कौन है बे? भाई नीचे के मेडिकल वाले का नाम शायद द्रोणाचार्य है। जाने दे, अपने को क्या है, एंटीडोट तो मिल गया, अब हम नागू को बचा सकते। अच्छा तो ये बात है। नमस्कार, मैं गाय टीवी से रिपोर्टर गोड बोली। जहाँ जहाँ झोले वहाँ वहाँ सबकी पोल खोले। मजनू, ये गाय कैसी छूट गई? ए हुर्र, चल अंदर आईसीयू में, बोला था ना बाहर नहीं आने का। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे रिपोर्टर दोस्त भी है। ए न्यूज वालों, तुम लोगों को दूसरे की लाइफ में नाक घुसाने के अलावा कोई और काम धंधा नहीं है क्या? नहीं, घुसाने से टीआरपी मिलती है। क्या? नाक। अच्छा, मेरे को लगा नेता लोग। क्या? कुछ नहीं। तो मैंने आपको बात करते हुए सुना है कि आपके हाथ में करीना वायरस का एंटीडोट है। तुम्हें क्या करना है, तुम गोबर से काम चलाओ। तो आखिरकार मशहूर डॉक्टर प्राश और मजनू ने करीना वायरस का एंटीडोट ढूंढ लिया है। जिस चीज का इंतजार दुनिया महीनों से कर रही थी वो चीज आखिरकार मिल गई है। अब ये देखना है कि ये दवाई काम करती है या नहीं। जानने के लिए देखते रहिए देश का नंबर वन न्यूज चैनल गाय टीवी। हेलो मोदी जी, बोलिए डोलान जी, डोनाल्ड, और आप पहले हमें एंटीडोट देंगे? अरे हमें भी इस बात की कोई खबर नहीं है डोलान जी। डोनाल्ड ट्रम्प नाम है मेरा। वाह, ये मोदी तो मेरा भाई है, पहले एंटीडोट मुझे देगा। वाह, इंडिया को एंटीडोट मिल गया। चाचाओ को चकाओ, पो को चकाओ। ये खबर सबसे पहले। अबे ए, बंद करो ये सब, पहले चेक तो करने दो। मजनू फनेला। ये लो भाई। नागू, ए नागू, तेरी बहन का बोल क्या है, मुंह खोल। ये अचानक नशा क्यों हो रहा है मेरे को? भाई इधर लाओ, ये तो अल्कोहल सैनिटाइजर है। क्या क्या? तो देखा आपने कैसे इन दो चूतियों ने मिलके पूरी दुनिया का चूतिया काटा है। ये लोग पेशेंट को एंटीडोट बोल के सैनिटाइजर पिलाते हैं। इससे ये बात साबित हो चुकी है कि ये लोग झूठे हैं। इन्होंने कोई इन्वेंशन नहीं किया है, एकदम नल्ले लोग हैं ये। अरे मेरा एंटीडोट नहीं है ये। देखा अभी भी झूठ बोल रहा है, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची। मजनू इनको बाहर निकाल। ए, निकलो यहाँ से। वो देखो वो बिल्डिंग के छत पर तैमूर टट्टी कर रहा है। का है, का है? मजनू ये एकलव्य को ने पता लगा, साला झूठा एंटीवायरस भेजता है। हाँ भाई। हेलो लंगड़ा भाई, ये एकलव्य को ने पता लगा, गेम बजाना है। क्या? महाभारत जाना पड़ेगा भाई, एकलव्य तो महाभारत में मिलेगा। कहा ये महाभारत कुछ? हाँ, ये महाभारत नाम की जगह किधर मिलेगी? क्या भाई, वो तो हो गया हजारों साल पहले। क्या ये क्या हो रहा है, और गर्मी क्यों बढ़ रही इतनी अचानक, एसी लगा? हाँ भाई। आइंस्टाइन। यस बॉस। काम कैसे चालू है? एकदम फर्स्ट क्लास बॉस। चिल्ला मत, ग्रेविटी और बढ़ा, मैं स्टीफन को देख के आता हूँ। बॉस। क्या है? आपका मेरे रिलेटिविटी इक्वेशन के बारे में क्या कहना है? अच्छा वो एकदम घटिया, उन दो लंबी नाक वालों ने एरोप्लेन से टाइम ट्रेवल करके तेरी इक्वेशन की पुड़िया बना के तेरे ही पिछवाड़े के ब्लैक होल में घुसा दी। E=mc² बराबर Einstein=Motherfuck, वो भी दो बार। काम कर अपना। हेलो स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग नाम है मेरा। नाम छोड़, काम पे ध्यान दे, मिसाइल लग गई चारों तरफ। यस सर, शाबाश, ये हुई ना बात। हेलो मजनू, न्यूज चैनल लगा? हाँ भाई, तो जिन डॉक्टरों को हम हीरो मानते थे वो तो बिल्कुल जीरो निकले। अभी अभी हमने देखा कि भावेन जनरल हॉस्पिटल के सामने हजारों लोगों की भीड़ लगी है। प्रयास मजनू हाय हाय, प्रयास मजनू हाय हाय, काफी गुस्से में लग रहे हैं ये लोग। एक मिनट, हेलो, क्या? अभी अभी नासा से एक खबर आई है कि पृथ्वी की तरफ एक एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से आ रहा है, जिसे रोकना अब नामुमकिन लग रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड इंडिया के पास ही गिरेगा। कहा ये अभी तक पता नहीं चला है। अरे यार ये क्या हो रहा है दुनिया में? मैं बताती हूँ। ये तो प्लेन वाली बुढ़िया है, क्या काम है? मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है। क्या?
कौन? जब तुम लोग ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल करके 1672 में गए थे तब मैं भी थी उस प्लेन में तुम लोगों के साथ। फिर मैंने देखा आप लोग न्यूटन से कुछ बात कर रहे थे। फिर न्यूटन एप्पल की जगह नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के हिलाने लगा। उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम हस्त मैथुन की अंतिम चरम सीमा पार कर दी थी। जब उसको मजा आया तो उसे लगा कि कोई इन्वेंशन है, तो उसने लॉ ऑफ मस्तुर्बेशन का बुक लिख दिया और उसे पब्लिश भी कर दिया। तब गांव वालों ने उसे बच्चों को गलत शिक्षा देने के जुर्म में गांव से निकाल दिया। मैं ये सब देख रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। फिर मैं उसके पास गई, मैंने उसको पूछा क्या हुआ। वो बोला मुझे तुम दोनों से बदला लेना है। फिर मैंने उसको बोला मैं तुम्हें 2020 में लेके जा सकती हूँ क्योंकि मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और मैंने आपको ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल करते हुए देखा था। मैंने उसे प्लेन बना के दिया। फिर हम 2020 में आए। फिर एक दिन वो फिर से वापस चला गया। मुझे लगा अब वो नहीं आएगा, लेकिन वो 20th सेंचुरी से आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स को लेके वापस आया। फिर जाके उसने हमें उसका मास्टर प्लान बताया। मिसेस वर्मा, आपने सैनिटाइजर वाला एंटीडोट उन दोनों को भेज दिया? यस सर। शाबाश, अब दुनिया को पता चलेगा वो लोग कितने झूठे और मक्कार हैं। चलो एक काम तो हो गया, अभी दूसरा काम जिसके लिए मैंने आइंस्टाइन और स्टीफन को बुलाया। दोस्तों, इन 21 सेंचुरी के लोगों को हमने साइंस सिखाया, तो इन लोगों ने साइंस का इस्तेमाल करके दुनिया की वाट लगा दी। बाहर देखो, बाहर कितना पोल्यूशन हो गया है। हमारे जमाने में जितने पेड़ हुआ करते थे उसके 10% पेड़ भी नहीं बचे अभी। हमारे जमाने में जितने जानवर हुआ करते थे उसके 5% भी नहीं बचे अभी तक। पृथ्वी को बाप का घर समझ के रखा इन लोगों ने। हमने साइंस को लोगों की भलाई के लिए बनाया था, लेकिन इन चूतियों ने उसका गलत इस्तेमाल किया है। ये भड़वे लोग साइंस के लायक नहीं है। हम बताएंगे इन लोगों को साइंस क्या होता है। वो कैसे? ये एंग्रीलैंड उन दो लंबी नाक वालों का शहर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। हम तीनों का मिलके 450 IQ होता है और इसका 10 460। हम अपनी साइंस की मदद से अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेस से एक एस्ट्रॉइड बुलाएंगे और पूरा एंग्रीलैंड दबा कर देंगे। और वहाँ के लोग, अरे दुनिया को बड़ा सबक सिखाने के लिए हमें ये छोटी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन कह दिया ना, बस कह दिया। उसका इरादा अच्छा है लेकिन तरीका गलत है। फिर मुझे लगा कि तुम दोनों ही कुछ कर सकते हो इसके बारे में, तो मैं तुम्हें बताने यहाँ मुंबई आ गई। मुझे न्यूटन के इरादों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तुम्हें अपने एंग्रीलैंड और वहाँ के लोगों को बचाना पड़ेगा। ए न्यूटिया, अरे कब पीछा छोड़ेगा तू मेरा? अभी नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों का? तुझे पता है मैं लाइफ में सिर्फ 5 साल खुश रहा। पता है क्यों? क्योंकि 5 साल मेरी लाइफ में एक चीज नहीं थी, साइंस। जैसे ही मैं केजी में सुसु पॉटी करने के बाद स्कूल गया, पहले ही क्लास के पहले 5 मिनट में मुझे ये पता चला इंसान का शरीर शरीर नहीं मशीन है। ये सुनकर तो मेरी गोटियों ने लटक कर आत्महत्या कर दी। मैं सोचने लगा मेरे माँ बाप ने मुझ पर इतना अत्याचार क्यों किया, मुझे वो पड़ोस वाले बंटी जैसा चिकना क्यों नहीं बनाया, मैंने क्या पाप किया था। ये सब सोचते सोचते चैप्टर खत्म हो गया। मैडम बोली मैं कल सबको आज के चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगी। मैं डर गया, घर जाके साइंस का पुस्तक खोला, उसने मेरा दिमाग खोल दिया। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो मैडम ने पूछा हमारे शरीर की 5 इंद्रियां कौन सी होती है, हाथ लगा के बताओ। अभी ये इंद्रियां शब्द तो लाइफ में अपन ने फर्स्ट टाइम सुना था। मेरे को लगा ये इंद्रियां वही चीज होगी जो हम किसी को दिखाते नहीं, छुपा के रखते। तो मैंने क्लास में सबके सामने अपना नुनू पकड़ लिया। काफी बड़ा सिक्स सेंस है आपका। चलो, स्कूल तो मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया। 12th में साइंस के बड़े बड़े इक्वेशन का अत्याचार मेरा नुनू झेल नहीं पाया, फेल हो गया। पूरा का पूरा एंग्रीलैंड मुझे ऐसे देख रहा था जैसे न्यूटन चाचा लगता है इनका। तभी मुझे लगा कि मुझे साइंस छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाहर खिड़की से मैंने सोसाइटी में झाक कर देखा तो पड़ोस वाले बंटी को आर्ट्स लेने पर जूते चप्पलों से स्वागत किया जा रहा था। सोसाइटी के चक्कर में मैं फिर से साइंस में गया जिसका नाम था इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि कुछ सैकड़ों साल पहले कुछ हरामखोर सन की बुड्ढों ने कुछ किताबें लिख के रखी थी जिसका बोझ आज करोड़ों मासूम बच्चों के नुन्नू को उठाना पड़ता है। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं लूंगा उन करोड़ों मासूम नुन्नुओं का बदला। अगर न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर नहीं किया होता तो हम क्या हवा में उड़ते? वो बॉटल ओपनर ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया होता तो जापान अमेरिका के गोद में जाकर बैठता है ना। रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम है उसका। शट अप। अरे वो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी इक्वेशन नहीं बनाया होता तो धरती पे 70,000 एटम बम नहीं होते, पता है। फिर मैंने ठान लिया, मैंने मेहनत की। डिप्लोमा से लेकर इंजीनियरिंग तक 4-5 साल एग्जाम के अगली रात 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब हॉस्पिटल का बोर्ड रिपेयरिंग का काम मिला जहाँ खिड़की के सामने एक डॉक्टर बंडलों में नोट गिन रहा था, तब मैंने एक लॉ डिस्कवर किया। ये लॉ साइंस के सारे लॉ के खिलाफ था। हम मैकेनिकल इंजीनियर्स ने मिलकर साइंस के लॉ के खिलाफ जाकर डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाई है। कल एक बच्चा आया था, बोलता है मेरे को मकड़ी ने काटा, मैं मर जाऊंगा। मैंने उसी काटी हुई जगह पे और 10 नस्ल की मकड़ियों को कटवाया। वो बच्चा स्पाइडरमैन बन गया। हमने एक इलेक्ट्रिशियन को थॉर बनाया, पुलिस ऑफिसर को आयरन मैन बनाया, सिर्फ एक लॉ की मदद से। लॉ ऑफ इनवर्स साइंस।
डार्क मैटर क्या होता है पता है? भाई आपको क्या लगता है आप ये सब बकचोदी झाड़ोगे और ऑडियंस मान लेगी? अरे कल वो कॉस्मोस देख रहा था, दिमाग का भोसड़ा कर दिया है। मैं साइंस को छोड़ दूं लेकिन साइंस मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ता। जैसे ये तीन रनवे भड़वे भोपाड़ी के भूतकाल से वर्तमान काल आ गए मेरा सर खाने, नहीं छोड़ूंगा। वो लोग साइंस के बाप है तो हम एंटी साइंस के बाप है। बस एक बार हाथ प्राश नागू, क्या हुआ प्राश? मुझे कुछ हो रहा है प्राश। मुझे उस प्लेन में लगा था कि ये टेररिस्ट है, इसलिए न्यूटन के कहने पर मैंने एंटीडोट में जहर मिला दिया था। मुझे नहीं पता था कि आपका दोस्त है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या नागू भाई? नागू कुछ नहीं होगा, बात कर मेरे से। भाई हमने उसे पूरा बॉटल पिलाया। प्राश मुझे बचा लो, तुम दोनों डॉक्टर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, हम डॉक्टर नहीं है, मजनू डॉक्टर को बुला। भाई सारे मैकेनिकल इंजीनियर भरे पड़े हॉस्पिटल में। नागू मज। हाँ भाई मैं हूँ, इधर बोलो बोलो। दारू नागू, क्या हुआ क्या हुआ? नागू बात कर। नागू भाई उठो, नागू भाई। नागू उठना ए नागू, चलना दारू पीने जाते। ए नागू चल उठ, अभी मजाक मत कर, चल उठ उठ नागू, उठ नागू। नागू भाई मुझे माफ कर दीजिए। कसम नागू की अगर नागू वापस नहीं आता तो इस दुनिया से एक एक करके सारे साइंटिस्ट खत्म कर दूंगा मैं, सारे स्कूल और कॉलेजेस को आग लगा दूंगा। बचपन में साइंस में फेल हो गया तो किसी ने इज्जत नहीं की मेरी, आज उसी साइंस ने मेरा दोस्त छीन लिया मेरे से। अब मैं उस न्यूटा को नहीं छोड़ूंगा, नहीं उन भड़वे साइंटिस्ट को अपना लॉ याद दिलाया तो नाम का प्राश नहीं मैं। कहाँ मिलेंगे ये लोग? एंग्री लैंड ज्वालामुखी के पास। मजनू अपने सारे पेशेंट को कॉल लगा। हाँ भाई। हेलो एंग्री एंजल्स। हेलो स्टाइफन हॉकिंग, वो पंछियों को गिरा दे। यस बॉस। भाई हम लोग तो फोकट में खर्चा कर रहे हैं इन बकरियों पे, पता है? नहीं मजनू, हमने इन्हें यूनिवर्स साइंस से बनाए हैं, इन्हें भी एक दिन अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा। अरे रे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे शक्तिमान आप वापस आ गए। वो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? टिकटॉक खेल रहे। खेलो खेलो, लेकिन एक बात याद रखना, गुटखा खाना और बालों में लगाना दोनों बुरी बातें। सॉरी शक्तिमान। भाई वो रहा ज्वालामुखी, वो देख वो मशीन का इस्तेमाल करके वो एस्ट्रॉइड बुला रहा है, हमें उस मशीन को फोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई प्लेन एक्टिवेट द सुपर पायलट मोड। आइंस्टाइन वो प्लेन को उड़ा दे। यस सर। मजनू प्लेन घुमा, प्लेन घुमा। अरे ये क्या हो रहा है?